गुड मॉर्निंग क्लास होप यू अला ड्रगर सो हम लोग पढ़ रहे थे अपना ये चैप्टर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जिसपे हमने ग्लोब डिस्कस कर लिया था है ना हम लोग ने ग्लोब डिस्कस कर लिया था मैंने आप लोगों को एक लिंक भी फॉरवर्ड किया था सो दैट यू कैन सी द थ्री डी ग्लोब है ना चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लैटिट्यूड्स टू लोकेट अ प्लेस ऑफ अर्थ इमेजिनरी लाइन्स आर ड्रॉन ऑन ग्लोब ये देखो दीज आर ये दिस इज अ ग्लोब एंड द लाइन्स विच यू आर एबल टू से ना ये जो हॉरिजोटल लाइन्स है दीज आर इमेजिनरी लाइन्स ठीक है बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स ये देखो वॉट विच इज नॉर्थ द अपर पार्ट इज द नॉर्थ एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द साउथ दिस इज द साउथ पार्ट दिस इज द थ पार्ट ऑफ ग्लोब ठीक है एंड इनको क्या कहा जाता है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड ये है नॉर्थ लाइन ऑफ लैटिट्यूड ये है साउथ लाइन ऑफ लैटिट्यूड द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस यूजिंग नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अक्वेट इज मेजर्ड इन एंगल्स ये जो है ना नॉर्थ से साउथ पे जो जा रही है जो लाइन्स हमें दिख रही हैं ब्लू एंड रेड लाइन दीज और ये ये हमें डिग्रीज दिख रहे हैं इनको बोला जाता है क्या दीज आर देंगल्स ऑफ लैटिट्यूड मेजर इन एंगल्स ठीक है दिज एंग इज़ द लेटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस द डिस्टेंस बिटवी लैटिट्यूड इज़ वन 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 ट्रिपल वन किलोमीटर्स हंड्रेड एंड एलेवन किलोमीटर्स अब देखो एक एंगल नाइन्टी से सिक्सटी सिक्सटी से फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव से थर्टी 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 से फिफ्टीन ये सारे एक दूसरे से एक के पास एक दूसरे के पास जाते हैं तो इनको कितना कितना किलोमीटर्स होता है हंड्रेड एंड एलेवन किलोमीटर्स to know the exact location of a place it is important to divide the latitude into degrees and minutes the value of each latitude is followed by symbol N and S matlab north and south to denote in which hemisphere the place lies hemisphere क्या हुआ south या north मैंने आपको यह बताया था इधर आपको ये देखो ऊपर भी पढ़ोगे globe में एक minute वापस चले जाते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं पेज uh, नंबर 196 की लास्ट लाइन से दीज पोल्स आर यूज एट द रेफरेंस पॉइंट्स फॉर आर कन्वीनियंस वी ऑफन डिवाइड द अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स ठीक है अर्थ को क्या है दो इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है चलो मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये जो बीच में देख रहे हो जीरो डिग्रीज इक्वेटर रेड लाइन दिस इज द इक्वल हाफ मतलब इक्वल हाफ्स में अर्थ को डिवाइड कर दिया गया ग्लोब को डिवाइड कर दिया गया जो ऊपर का पार्ट है उसको नॉर्थ पोल बोला और जो नीचे का पार्ट है उसको साउथ पोल ठीक है और जो ये बीच की लाइन है दैट इज इक्वेटर जो कि जीरो डिग्रीज पर होती है द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड अब भी मैंने आप लोगों को बताया जो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट है ये ऊपर वाला जो पार्ट है दिस पार्ट ये ऊपर का पार्ट इक्वेटर के ऊपर का ये हमारा नॉर्दर्न हेमस्फेयर होता है और इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज साउथ सादर्न हेमिस्फेयर देखो नाइन्टी डिग्री साउथ एंड नाइन्टी डिग्री नॉर्थ लिखा है ठीक है आई होप अभी आप लोगों को हेमिसफेयर क्या है समझ आया होगा ठीक है द इक्वेटर रिप्रेजेंट जीरो डिग्री लैटिट्यूड अभी बताया था सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू इधर ऑफ़ द पोल्स इज वन फोर्थ ऑफ अ सर्कल इट इज मेजर इन वन फोर्थ ऑफ थ्री सिक्सटी डिग्रीज दैट इज नाइन्टी डिग्री दस नाइन्टी डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड नाइन्टी डिग्री

डिग्रीज uh, में डिवाइडेड है कितना एक एक डिग्री से दूसरे डिग्री पे जाते हैं तो कितना किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है ठीक है अब हम पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ़ uh, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स ये हम देख रहे हैं ये मैंने आप लोगों को बताई थी ये जो टेढ़ी लाइन जा रही है ऊपर छोटी सी ये वाली ऐसे ही नीचे जा रही है इसको क्या कहते हैं हम लोग ने कल क्लास में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में क्या कहते हैं इसको टिल्ट है ना? चले इसमें देखो तो बच्चे जो हमारा नॉर्दर्न का ट्वेंटी थ्री अंडर हाफ डिग्री नॉर्थ होता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है ऐसे ही ट्वेंटी थ्री अंडर हाफ डिग्री साउथ का जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन ये देखो इसमें देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये हमारा ग्लोब है टिल्टेड लाइन हम देख रहे हैं ऊपर सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री पे आर्टिक सर्कल होता है नॉर्थ में नीचे ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर अब हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ़ कैप केप्रिकोन कहाँ होता है जीरो डिग्री पे इक्वेटर होता है नीचे हम जाते हैं साउथ की तरफ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ पे तो ट्रॉपिक ऑफ़ केप्रिकोन होता है सिक्सटी सिक्स एंड हाफ साउथ पे एंटार्टिक होता है ठीक है तो ये हुआ आपका केप्रिकोन एंड कैंसर ये बच्चे और डिटेल में आर्टिकल्स हम और डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इसको देखेंगे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक है फ्रिजिट जोन फ्रिजिट जोन साउथ पोल है हीट जोन कहाँ पर है इसका ठीक है देखिए हीट जोन्स ऑफ दर्थ विदेल्प ऑफ लैटिट्यूड एबल टू डी मार्केट सर्टेन टेम्परेचर जोन देयर आर थ्री मेन हीट जो टॉरेट जोन टेम्परेट जोन फ्रिजेड जोन अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि कुछ जोन्स लिखे हैं फ्रिजिड जोन टॉरेट जोन है ना दिख रहे ऊपर ही फ्रिजेड जोन नीचे भी फ्रिजिट जोन लिखा है इधर हमारा टोरेट जोन लिखा है लेट्स डिस्कस ये होते क्या लेट्स डिस्कस ये होते क्या है टॉरेट जोन क्या है इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केप्रिकोन केप्रिकोन साउथ में होता है कैंसर इज एट नॉर्थ इन दोनों के बीच में जो जगह आती है इन दोनों के बीच का जो, जो जोन होता है उसको कहा जाता है टॉरेट जोन क्यों कहा जाता है दिस जोन रिसीव वर्टिकल सन रेज थ्रू आउट द ईयर हे दिस जोन एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर ये देखो देखिए ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर हमारा ट्वेंटी थ्री डिग्री नॉर्थ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ़ केप्रिकोन हमारा ट्वेंटी थ्री डिग्री साउथ में होता है इक्वेटर है हमारी बिल्कुल सेंटर में ठीक है उस आप देखो जो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकोन के बीच का जो, जो जोन है ना उसको टॉरेट जोन कहा जाता है यहाँ पर सन, सन की वर्टिकल रेज पड़ती हैं ठीक है सन की वर्टिकल रेज पड़ती हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है यहाँ का इसलिए इसको कहा जाता है टिड जोन नेक्स्ट वी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमस्फेयर आप देखो यह है आपका आर्टिक सर्कल ठीक है एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक उसके बीच का जो बेटा एरिया है ना उसको कहा जाता है कौन सा टेम्परेट जोन एंड द एंटार्टिक सर्कल इन द ये देखो अब हमने देखा सॉरी टॉरेट जोन तो बिल्कुल सेंटर में आ गया अब नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन सो नॉर्थ आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में के बीच का जो एरिया है दैट इज नॉर्थ टेम्परेट जोन सेम विथ साउथ ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकोन एंड एंटार्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया है दैट इज साउथ टेम्परेट जोन द फॉल इन इन डायरेक्शन जोन्स एंड दीज हैव रिमेन मॉडरेट अब यहां पे क्या होता है कि जो सन लाइट है ना बेटा वो बिल्कुल कैसे पड़ती है वे में पड़ती है स्लॉटिंग लाइन पता है ना हमें क्या होता है स्लॉटिंग लाइन में पड़ती है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ना ही तो ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है लेट्स डिस्कस द फ्रिजिड जोन फ्रिजिड जोन हमारा ये देखेंगे बिल्कुल नीचे साउथ में भी है और हमारा नॉर्थ में भी है है ना दोनों तरफ हमारा फ्रिजिड जोन है सो so, यहाँ पे भी स्लांटिंग सन रेज पड़ती है और जो सन रेज हैं वो बहुत कम सन हार्डली राइज अब दॉरिजोन तो बहुत कम यहाँ पर सन लाइट आती है चाहे आप साउथ में जाइए या नॉर्थ में जाइए फ्रिजिड जोन पे तो सनलाइट बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है काफ़ी अच्छा और ठंडा रहता है ठीक है सो आई होप इतना ही हम चलेंगे इस चाहिए चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत थोड़ा स्लो हम जाएंगे ताकि एक एक टॉपिक हम बहुत अच्छे से समझ सकें ठीक है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड केप्रिकॉन कैंसर फ्रिजिड जोन टॉरेट जोन टेम्परेट जोन ये आपको समझ आया होगा बच्चे अगर नहीं आया है प्लीज़ मेरे को एक्सप्लेन बताइएगा मैं दोबारा आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर दूँगी सो आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर इफ़ नॉट प्लीज़ डू आस्क मी टेक केयर ऑफ बाय बाय